पिछले क्लास में हम लोगों ने पीटीसी, आरटीसी, सीपीटी और रांकपा के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग इन्हीं टॉपिक से क्विज डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्विज डिस्कस करेंगे कि देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन जो है इन टॉपिक से पूछा जाता है। तो पोस्टल थीसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही विकल्प को चिन्हित करें। पहला क्या है कि मुख्य डाकघर का मुख्य प्रभारी हेड पोस्टमास्टर होता है, या ऑप्शन नंबर बी उप डाकघर का मुख्य प्रभारी पोस्टमास्टर होता है, या ऑप्शन नंबर सी शाखा डाकघर प्रभारी शाखा पोस्टमास्टर होता है। ये उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो देखिये, मेन इंचार्ज एक हेड पोस्ट ऑफिस का हमारा हेड पोस्टमास्टर होता है, एक एचओ का हेड पोस्टमास्टर उसका इंचार्ज होता है, उसके बाद सब पोस्ट ऑफिस का एक एसपीएम इंचार्ज होता है, यानी सब पोस्टमास्टर सब ऑफिस का वो पोस्टमास्टर होता है, इसलिए उसको सब पोस्टमास्टर बोला जाता है। उसके बाद ब्रांच पोस्ट ऑफिस का जो इंचार्ज होता है वो ब्रांच पोस्टमास्टर होता है, यानी बीपीएम, वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस का पोस्टमास्टर होता है, इसलिए उसको ब्रांच पोस्टमास्टर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी हमारा ऑल ऑफ द एबव करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे फिल करना है, चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है यहाँ पे फिल करना है। आर कंट्रोल्ड बाय द सीनियर सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट आरएमएस, यहाँ पे देखिए डैश है, को वरिष्ठ अधीक्षक या अधीक्षक आरएमएस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसको नियंत्रित किया जाता है? डाकघर को, रेलवे मेल सेवा कार्यालय को, या रेलवे मेल सेवा अनुभाग को, या रेलवे मेल सेवा कार्यालय और अनुभाग। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जो है, रेलवे मेल सर्विस ऑफिसर्स एंड सेक्शंस को जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस या सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसको नियंत्रित किया जाता है? तो रेलवे मेल सर्विस ऑफिसर्स एंड सेक्शंस को नियंत्रित किया जाता है। तो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया है पिछले क्लास में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पोस्टल डिविजन्स आर अंडर द चार्ज ऑफ, एक पोस्टल डिविजन किसके अधीन होता है? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस यानी वरिष्ठ डाक अधीक्षक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस यानी डाक अधीक्षक, या ऑप्शन नंबर सी हमारा बोथ ऑफ दी एबव यानी उपरोक्त दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। क्यों? क्योंकि एक जो पोस्टल डिविजन होता है उसका जो प्रमुख होता है, उसका जो इंचार्ज होता है, वो हमारा एसएसपी होता है या एसपी होता है। तो दोनों में से कोई एक जो है पोस्टल डिविजन का इंचार्ज हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, द हेड ऑफिसर्स इंचार्ज ऑफ गेजेटेड ऑफिसर्स आर रिफर्ड टू एज, यानी जो राजपत्रित अधिकारियों के प्रभार वाले जो प्रधान कार्यालयों को क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी प्रधान कार्यालय, एचएसजी वन प्रधान कार्यालय, ऑप्शन नंबर सी हमारा द्वितीय श्रेणी प्रधान कार्यालय, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मुख्य डाकघर। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम श्रेणी प्रधान कार्यालय कहा जाता है, यानी फर्स्ट क्लास एचओ कहा जाता है, जिसका इंचार्ज एक गेजेटेड ऑफिसर होता है। तो जिसका इंचार्ज जो गेजेटेड ऑफिसर होता है उसको फर्स्ट क्लास एचओ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली करेक्ट, यानी दो स्टेटमेंट दिया गया है और बताना है कि दोनों में से कौन सा जो है तथ्यात्मक रूप से सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, एसएसआरएम या एसआरएम इज द एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिसेस। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, एसएसपी या एसपी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज ऑफ ऑल आरएमएस ऑफिसेस एंड सेक्शंस। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि ओनली वन इज करेक्ट, यानी सिर्फ ओनली वन जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हमारा, ओनली टू इज करेक्ट, अगर ये करेक्ट है हमारा, या दोनों जो है करेक्ट है, या दोनों जो है हमारा सही नहीं है, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हम टिक करेंगे। तो इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट। तो देखिए एसएसआरएम यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल, उसके बाद एसआरएम यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल इज द एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिसेस नहीं होगा, ये सिर्फ आरएमएस का जो है इंचार्ज होता है, दोनों में से कोई एक जो है आरएमएस का इंचार्ज होगा। उसके बाद एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, उसके बाद एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज ऑफ पोस्टल डिविजन, एक पोस्टल डिविजन का इंचार्ज जो होता है वो हमारा एसएसपी हो सकता है या एसपी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट हैज हाउ मेनी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स, तो विभाग के पास कितने डाक प्रशिक्षण केंद्र हैं? ऑप्शन नंबर एक 6, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, या ऑप्शन नंबर सी 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल जो है 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स है विभाग के पास। पहला क्या है, पहला है पीटीसी दरभंगा, सेकंड है पीटीसी गुवाहाटी, उसके बाद पीटीसी सहारनपुर जो कि यूपी में है, उसके बाद पीटीसी बड़ोदरा, उसके बाद पीटीसी मैसूर, उसके बाद पीटीसी मदुरई जो कि हमारा तमिलनाडु में है।
तो टोटल जो है 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स है इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी जिसको CEPT भी कहा जाता है इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, बेंगलोर में या मैसूर में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर में स्थित है। तो इसका जो मेन ब्रांच है वो मैसूर में स्थित है और CPT का अन्य ब्रांचेस भी है, तो हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अगर क्लास आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, क्लास में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। उसके बाद ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज आर ट्रेंड एट, तो जो डाक सेवाओं के ग्रुप ए अधिकारियों को कहाँ प्रशिक्षित किया जाता है? नैनीताल में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में या मुंबई में? तो इसके आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद, UP में जो है जो ग्रुप ए के अधिकारी और ग्रुप बी के, पोस्टल सर्विस ग्रुप बी के जो अधिकारी होते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने, राकपा के बारे में हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, वो बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही है। तो पहला क्या है स्टेटमेंट, सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन नजरबाद। सेकेंड है हमारा, देर आर 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स इन इंडिया। तो ऑप्शन हमारा दिया गया है यहाँ पे, ओनली वन जो है स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, या ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा, बोथ द स्टेटमेंट्स जो 1 और 2 आर इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 और 2 आर करेक्ट, क्योंकि दोनों जो है सही है, क्योंकि CPT का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा नजरबाद जो कि मैसूर में आता है वहाँ पर स्थित है। उसके बाद टोटल जो 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स है इंडिया में, तो दोनों जो स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ पोस्टल ट्रेडिंग सेंटर सिचुएटेड एट गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में कौन सा जो है डाक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? पहला है हमारा रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी, ऑप्शन नंबर बी है रफी अहमद किदवई, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी हमारा रफीक अहमद, ऑप्शन नंबर डी हमारा रफी अहमद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी जो है हमारा यूपी के गाजियाबाद में स्थित है, जिसमें कि पोस्टल सर्विस ग्रुप ए और पोस्टल सर्विस हमारा ग्रुप बी के ऑफिसर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।